नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वीवो का B27। बट दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में और दोस्तों फ़ोटो में यही दिखाया है कि वीवो B27 प्रो है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन दोनों का मैटर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लगाया थंबनेल में। और दोस्तों जी मेरे पास B27 है तो मैंने इसको B27 प्रो क्यों बताया, और दोस्तों इस फ़ोन में ऐसा क्या है कि दोस्तों मैंने इसको ख़रीदा, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा और इसकी पूरी दोस्तों डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए कि ये मैंने कितने का लिया है और दोस्तों इस फ़ोन में क्या क्या मिलता है। दोस्तों देखिए जैसा कि ये बॉक्स है आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी पुराना बॉक्स है ये ओपन, क्योंकि मैंने ये सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है, कुछ महीने चला हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2 महीने समथिंग पुराना फ़ोन है। तो इसलिए इस तरीके से ओपन बॉक्स है। तो देखिए इस तरह का ये बॉक्स आता है जिसमें दोस्तों ये कुछ बुक्स वगैरह मिलती हैं, जो किताब वगैरह जी दोस्तों का कवर है, जैसे एक इसमें ट्रांसपेरेंट कवर आता है, बट दोस्तों वो मुझे नहीं मिला तो मैंने अलग से ये कवर लिया था। तो मैं आपको और दिखा रहा हूँ इसकी क्वालिटी भी आपको दिखाऊंगा कवर की कैसा लगता है। ये दोस्तों फ़ोन जो आप देख सकते हो, ये देखने में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इसकी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है, तो इसको मैं भी रखता हूँ। दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, जैसे दोस्तों देखिए हमें मिलता है एक चार्जर जो दोस्तों 67 वॉट का चार्जर है, जो दोस्तों काफ़ी फास्ट है, जिसको दोस्तों आप देखिए फ्लैश चार्ज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका नाम दोस्तों फ्लैश चार्ज दिया गया है वीवो का। ये इसमें दोस्तों एक सिम इजेक्शन पिन आती है जो मैंने निकाल ली है इसकी, और ये दोस्तों डाटा केबल जो है दोस्तों माइक्रो USB A Type-C, ये देखिए। और दोस्तों इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बाकी हमें ये पता ही है कि हमें चारे साथ में मिल रहा है, कवर मिल रहा है, और दोस्तों फ़ोन के ऊपर जो पिन्नी लगी आती है वो भी हमें इसमें लकी मिलती है, लेकिन मैंने उसको हटा के इस पर टेम्पर लगवा लिया UV ग्लास, जिससे दोस्तों इसको अच्छी प्रोटेक्शन मिल सके। दोस्तों इसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं, आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें दोस्तों आपने इसके बारे में पूरा जान लिया होगा इसमें क्या क्या मिलता है, प्राइस क्या है। बट दोस्तों मैंने इसको काफ़ी सस्ता ख़रीदा है, क्योंकि मुझे मिला था दोस्तों जो कुछ में 1 से 1.5-2 महीने के समथिंग चला हुआ, तो मैंने इसको थोड़ा पुराना ख़रीदा है, इसलिए दोस्तों मुझे सस्ता मिल गया। बट आप देख सकते हो कंडीशन कैसी है, कोई भी दोस्तों इसमें एक भी दाग नहीं है, कोई भी स्क्रैच नहीं है, एकदम न्यू रखा हुआ है। दोस्तों इसमें जो कैमरा मिलता है दोस्तों, इसका मेन हाईलाइट है इसका कैमरा, और पीछे का दोस्तों ये कलर, जब आप इसको धूप में ले जाते हो तो ये कलर चेंज करता है, जैसा कि आपने दोस्तों कई एड वगैरह में देखा होगा इसके बारे में, इसका दोस्तों ये कलर है। कैमरा दोस्तों कलर काफ़ी अच्छा है, कैमरा दोस्तों इसका जो 15 मेगापिक्सल वाला है, 50 वाला, और दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा दिया गया है इसका, जिसके दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो आती हैं। मैंने एक सैंपल भी लिए हैं जिनको मैं आपको अभी दिखाऊँगा, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कैमरे दिए गए हैं। ये देखिए जी, एक मैंने फ़ोटो लिया था फ्लावर का, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो ये कितनी क्लैरिटी है, ये देखिए मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिटेल आती है इसमें, ये देखो इसमें पूरा बोके बन के आया हुआ है, जिसको दोस्तों आप यहाँ से और भी मैनेज कर सकते हो, ये देखिए। तो कुछ तरह की क्वालिटी इसमें दी गई है कैमरे के मामले में। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.7 इंच की दोस्तों इसकी डिस्प्ले दी गई है, जो काफ़ी दोस्तों और फोनों के मुकाबले बड़ी है, और इसमें जो कर्व डिस्प्ले है तो देखने में दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लगती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। AMOLED डिस्प्ले है तो कलर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो 4600 mAh की बैटरी है, जिसके साथ दोस्तों आपको फास्ट चार्ज साथ में मिल जाता है, तो बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ़ोन अगर नॉर्मल यूज आप इसको कर दे तो 1.5 दिन तक आपकी बैटरी इसकी चली जाएगी, और आप हैवी यूज़ करते हो फिर भी एक दिन आसानी से निकल जाता है। दोस्तों इस फ़ोन में थोड़ी सी एक दिक्कत मुझे लगती है, वो ये है कि इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर मिलता है, यहाँ पे आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं मिलता, बट जो सिंगल स्पीकर है वो भी दोस्तों काफ़ी लाउड है। बट वैसे भी दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो स्पीकर का यूज़ कम करते हैं, ज़्यादातर लोग दोस्तों हेडफोन या ईयरबड्स का यूज करते हैं, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें दोस्तों जो पीछे जो दिया गया है ढक्कन, जो दोस्तों ग्लास है तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। साइड दोस्तों जो कॉर्नर दिए गए हैं इसके साइड वाले, जी ये दोस्तों प्लास्टिक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये
दोस्तों हट दिया गया है, एल्यूमिनियम नहीं है, तो ये दोस्तों थोड़ा कमज़ोर रहता है गिरने गिरने के मामले में, तो एक आप अच्छा कवर यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए। फिंगरप्रिंट दोस्तों इसमें डिस्प्ले में दिया गया है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है, और फेस अनलॉक भी दोस्तों काफ़ी फास्ट है। अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो 7200 वाला प्रोसेसर दिया गया है डायमंड सी का इसके अंदर। अब दोस्तों आपको वैसे भी इसके बारे में साफ कुछ पता होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने थंबनेल में इसको B27 Pro क्यों बोला। क्योंकि दोस्तों जब आप इस फ़ोन को ख़रीदोगे या आप B27 Pro को लोगे दोस्तों, दोनों फ़ोन में कोई भी अंतर नहीं है। अगर आपने दोनों फ़ोन ले लिए और आपने रख दिए तो दोस्तों आप खुद नहीं बता पाओगे कि मेरे के आपका B27 कौन सा है और प्रो वाला मॉडल कौन सा है। दोनों सेम है दोस्तों, डिज़ाइन में, कैमरे के मामले में, डिस्प्ले के मामले में दोनों सेम दोस्तों, एक से कैमरे हैं दोनों के, दोस्तों पूरे देखने में एक से लगते हैं। बस दिक्कत सिर्फ एक जगह पर है, वो है दोस्तों इसके प्रोसेसर के अंदर। इसमें दोस्तों दिया गया है 7200 वाला प्रोसेसर डायमंड 3 का, और दोस्तों प्रो मॉडल में दिया गया है 8200। बस ये फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। चाहे दोस्तों आप कैसे भी देख लो, जो सेम चार्जिंग मिलती है, सेम चार्जर मिलता है, डिस्प्ले सेम है दोस्तों, कैमरा सेम है, यहाँ तक कि दोस्तों जो स्पीकर दिया गया है सिंगल, उसमें भी सिंगल मिलता है। आप जब इसको ख़रीद लोगे तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपके पास प्रो है या फिर नॉर्मल वाला B27 है। तो अगर आप हैवी गेम करते हो, गेमिंग खेलते हो, तब दोस्तों आपको उसकी तरफ हल्का सोचना चाहिए, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि आप B27 ले लो, आपके 3 से 4 हज़ार रुपये ही बचे आएंगे, और प्लस दोस्तों आपके पास एक प्रो मॉडल भी रहेगा क्योंकि देखने में दोस्तों सेम ही है। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये सिंपल वाला लिया क्योंकि मुझे इतनी गेमिंग नहीं करनी होती, कैमरा दोस्तों दोनों का सेम है, तो काय को एक्स्ट्रा पैसे डालो उसमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, लाइक कर देना, और चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जिनमें दोस्तों आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट जो चीज़ मैं लेके आता हूँ खुद अपने पैसों से परचेस करके लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है कोई मुझे बेचता या कोई देता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा क्वालिटी या ज़्यादा क्लियरिटी मेरी वीडियो में नहीं आती और लोगों की तरह, बट जो भी दोस्तों मैं बनाता हूँ वो खुद बनाता हूँ, और ना ही दोस्तों कोई भी फ़ोन वगैरह जो आते हैं जो मैं कहीं किसी से लेता, खुद अपने पैसों से खरीद कर तब उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट करो, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आप मेरे पे आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।